नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका इन चक्षु ब्लॉग्स पर। मैं हूं एमआर भाटिया। सरकार ने भर्ती के खिलाफ चंबा में जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने इस स्ट्राइक के बारे में, आइए देखिए। तैयार हो जाता है तुमसे डेढ़ साल में कहीं वो नहीं बन रहा है। आज तुम्हारे हिमाचल का युवा, हिमाचल का युवा छात्र आपसे अभी रिक्वेस्ट कर रहा है, अभी वो बहुत संगम तरीके से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जल्द से जल्द चयन बोर्ड को बहाल कीजिए। अब कहने को तो आपने नोटिफिकेशन बना दी कि चयन बोर्ड बन चुका है। अरे भैया, कौन है उसका चेयरमैन, कौन वहाँ पे स्टाफ बैठा है, क्या उसका प्रोसीजर है कहीं क्लियर? कहीं भी क्लियर नहीं है कि वहाँ पे क्या बोर्ड है, कौन बैठेगा, कौन पेपर कराएगा, कैसे। आपने खाली नाम की नोटिफिकेशन दे दी कि एक चयन बोर्ड होगा। अरे पास, अरे एक क्लियर नोटिफिकेशन दीजिए और जल्द से जल्द इस चयन बोर्ड की बहाली कीजिए जिस दौरान एग्जाम शुरू हो सके। हमारे लोग कहते हैं कि भैया चयन बोर्ड बन गया है, बोले सरकार के पास पैसा नहीं है, भर्ती कहाँ से करवाएं। अरे जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें पता है जेब खाली है, फिर क्यों डोमिनोज पिज्जा खाने जाते हो? हमें भी कहीं खाना जाने होता है, हम देखते हैं अपनी जेब में समोसे के लिए पैसे हैं कि पिज्जा के लिए। अगर समोसे के लिए तो मैं समोसे ही खाऊंगा ना, मैं क्यों डोमिनोज में जाऊंगा? आपके पास पैसा नहीं है, हमारे यहाँ आपात आया था, हमारे यहाँ भूकंप फ्लड आया था, हम मानते हैं। लेकिन एक बात तो समझिए, जो पोस्ट अप्रूव होती है वो पहले फाइनेंस से अप्रूव होती है, तब जाके चयन बोर्ड को दी जाती है। फाइनेंस से पोस्ट अप्रूव होने के बाद 965, 939, 817 सारी अप्रूव पोस्ट है। तुमसे ये नहीं कहते कि तुम नई भर्तियां लाओ, कम से कम जो अप्रूव्ड भर्तियां हैं उनको तो करवाओ, तुम्हें उनको करवाने में भी शर्म आ रही है। तो तुम्हारी सरकार में हाय थू ना बोले तो एक युवा क्या बोले आज की डेट में? नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसलिए आज मैं फिर आप सभी की साइड, आप सभी के समर्थन से अपनी सरकार को एक संदेश देना चाहता हूं कि जितना जल्द हो सके एक चयन बोर्ड को बहाल किया जाए और नई भर्तियां और पुरानी भर्तियां जो फंसी हुई है उनको जल्द से जल्द करवाया जाए। और दूसरी बात, ये जो अस्थाई शिक्षा वाली पॉलिसी लाए हो, अगर अपना भला चाहते हो, अपनी कुर्सी वहीं चाहते हो जहां बैठे हो, शिक्षा मंत्री जी भी सुन ले और मुख्यमंत्री जी भी सुन ले, अगर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हो तो इस तरह की बेकार पॉलिसियों को ना ही लाए तो अच्छा है। 2 महीने पहले आपने कहा था कि मैंने ये अखबार में पढ़ा है कि हम ऐसा अस्थाई शिक्षक ला रहे हैं, आज किसमें पढ़ा आपने कि आज भी अखबार आई थी आपके घर कि आपके शिक्षा मंत्री आए थे चलकर? जब वीरभद्र सरकार थी 2017 से पहले की बात है, हर साल एलाइड की 40-50 पोस्ट आती थी। लास्ट के बीजेपी की सरकार ने भी यही काम किया, निकाला ही नहीं कुछ। 2018 में एलाइड की भर्ती हुई थी, अभी जस्ट एक 20 दिन पहले नोटिफिकेशन आई है, पोस्ट कितनी आई? 24 मात्र। जो हर साल 50-60 पोस्ट आती थी वो अभी 24 पोस्ट आई। अबे एलाइड पे भी क्या तुम गेस्ट एलाइड इंस्पेक्टर रखोगे? एसआईबी क्या गेस्ट पे रखोगे? तो तुम्हारा शिक्षा का स्तर, चाहे ऑफिस का स्तर, वो किस लेवल पे जा सकता है ये हम लोग जानते ही हैं। जब इस तरीके से भर्तियां की जाएगी तो हर स्तर अपने आप नीचे ही गिरेगा। फिर कहते हैं सरकारी दफ्तरों में गए काम नहीं हुआ, अरे भैया काम कहाँ से होगा, उनको खुद को आना चाहिए तब जाके काम होता है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। इसलिए मैं अपने शोक की समाप्ति करने से पहले एक और बात कहना चाहता हूँ। कहीं से हमें खबर मिली थी कि रिटायर लोगों को भी भर्ती रखा जाता है क्योंकि पोस्टों की कमी है। अरे भैया जब युवा सड़कों पे है तो तुम रिटायर लोगों को क्यों रख रहे हो? युवा हम मांग कर रहे हैं, हमें दो भर्ती, हम निकालेंगे, हमें पटवारी लगना है, इनको पटवारी लगना है, तुम रिटायर लोगों को रख रहे हो, क्या शर्म है तुम्हारे मुंह पे? अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए इसी पे मैं शर्म करो, शर्म करो, एचपीएससी बवाल करो, बवाल करो, बवाल करो, एचपीएससी बवाल करो, बवाल करो, बवाल करो। सर, इस स्ट्राइक के बारे में कुछ बताएं।
सर, हाल ही में जैसे हम देख रहे हैं कि जब सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था कि भर्ती को हम 3 महीने में जल्द से जल्द शुरू करेंगे, लेकिन 3 महीने तक तो उन्होंने 13 महीने कर दिए और अभी तक सरकार जो है भर्ती शुरू नहीं कर पाई है। हर बार ये बैकडोर एंट्री करवाने का कार्य कर रही है, जैसे हर बार नई नई स्कीमें लगा के ये चाह रही है कि बैकडोर भर्ती को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन इस बार तो इन्होंने हद कर दी जब इन्होंने गैस टीचर के नाम पर 2600 भर्तियां जो है कैबिनेट से अप्रूव कर दी। इसलिए ये छात्र आज इकट्ठे हुए हैं क्योंकि अपने हक के लिए इकट्ठे हुए। अगर बैकडोर भर्ती को यहाँ पर अप्रूवल मिल जाता है तो जो छात्र 5-6 साल से लाइब्रेरी में जाकर तैयारी कर रहा है तो उनको बहुत ही इससे नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो 5 साल से लगातार तैयारी कर रहा है, तो इसलिए ये इकट्ठे हुए। और दूसरी तरफ जब एचपीएसएससी को इन्होंने डिसॉल्व किया था तो उन्होंने बोला था कि नया आयोग बनेगा, तो 3 महीने में इन्होंने कहा था कि हम नया आयोग बनाएंगे। नया आयोग तो बन नहीं पाया, 13 महीने हो गए अभी तक भी वो आयोग बोला कि भर्ती ये करवाएंगे वो करवाएंगे, मतलब लटका रहे युवाओं को, और ऐसे ऐसे करते इन्होंने 13 महीने निकाल दिए। इसलिए ये छात्र सभी इकट्ठे हुए कि जल्द से जल्द जो है आयोग को शुरू किया जाए और जो ये पॉलिसियां ला रहे हैं बैकडोर भर्ती के लिए उसको बंद किया जाए। और हमारी सरकार से यही निवेदन है कि जो आयोग है जिससे कि सीधी भर्ती होती है, जिससे कि हम जिसको बोलते हैं सीधे दरवाजे से भर्ती होती है, उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए और ये जो बैकडोर भर्ती वाला ये सिस्टम लगाते हैं हर बार उसको बंद किया जाए, क्योंकि हर बार ये बोलते हैं कि निकाल देंगे। एसएमसी वालों को भी इन्होंने यही बोल के रखा था कि हम 1 साल में इनको निकाल देंगे, लेकिन अभी तक वो हटे नहीं है। तो ऐसे ही ये गेस्ट टीचर को भी रखेंगे, बाद में बोलेंगे कि इनको भी निकाल देंगे, लेकिन वो भी हमें पता है कि नहीं निकलेंगे। तो हमें सरकार से यही निवेदन है हमारा कि पहले तो राज्य चयन आयोग जो इन्होंने बोला है उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए और जो ये बैकडोर भर्तियों की स्कीमें लगा रही है उसको बंद किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू सर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैकडोर एंट्री बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। टू रेडियो ने जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऐसी भर्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसी भर्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाई कमीशन लो, कमीशन लो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेट्रोल एंट्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेट्रोल एंट्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे एसटीएस बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। Back down, 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 back down,